गाइज व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं फाइनली खाने आई हूँ छोले भटूरों की वीडियो बना बना करके अब मैं आई हूँ अपनी फेवरेट जगह बटर चिकन खाने। आपको पता है बटर चिकन की बेस्ट जगह कौन सी पंडारा रोड में? दैट इज गुलाटी। इधर तो मैं इतने बचपन से आ रही हूँ ना, ये मेरी नहीं मेरे पापा की फेवरेट जगह है, मतलब हम सबकी फेवरेट जगह है और हम सब इधर आने के लिए इतना तरसते हैं। हर पार्टी में, हर बच्चे के मुंडन से लेकर के एनिवर्सरी तक हमें इधर ही आना होता है खाने। तो अब चलते हैं विदाउट फर्दर अडू। पंडारा रोड में है गुलाटी, जो कि बहुत पुराना एक रेस्टोरेंट है और इधर हम खाएंगे बटर चिकन एंड थोड़े स्टार्टर्स, चिकन टिक्के, दाल मखनी भी खिलाऊंगी वेजिटेरियन लोगों, तुम लोग वेट करो, पनीर भी खाएंगे हम, पर मेरा प्यार हमेशा रहेगा बटर चिकन। आई एम सॉरी इफ आई एम टू एक्साइटेड, बट बटर चिकन के लिए तो आई एम ऑलवेज वेरी एक्साइटेड। सो लेट्स गो एंड चेक आउट गुलाटी का मशहूर, दिल्ली का बेस्ट बटर चिकन। Let's go. आ गया मेरे स्टार्टर्स। मैं पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। यह है मटन बर्रा, वेज गलौटी, दही कबाब। दही कबाब मेरे ऑल टाइम फेवरेट है और थोड़ा मलाई टिक्का। तो देखते हैं, खा के स्टार्ट करते हैं हम पहले थोड़े दही कबाब से। काफी थिक है इनके कबाब एज कंपेयर टू जो मैं नॉर्मली खाती हूँ। This so soft, so juicy, I can say. और ये हंकर्ड का फ्लेवर है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेस द मशरूम गलौटी। तो मुझे किसी वेजिटेरियन दोस्त ने कहा था कि जब भगवान कबाब भी बना रहे थे ना, तब उन्होंने सोचा था कि वेजिटेरियन के लिए कुछ छोड़ देता हूँ। तो ये है मशरूम गलौटी। ओह, दिस सो स्पाइसी, काफ़ी अचारी फ्लेवर है और इतना मसालेदार है। आई मीन यू विल लव इट। अगर आपको चटपटा खाना और मसालेदार पसंद है, दिस इज अ रिकमेंडेशन फ्रॉम माय हेल्थ। सो वेल बैलेंस, इट्स स्पाइसी, इतना मसाले और बहुत ही अमेजिंग है। अब खाते हैं मटन बर्रा। सो जूसी, सो टेस्टी, बहुत ही अच्छा है। आई मीन इसे आप एक बार रोक ही नहीं सकते, अमेजिंग। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अफगानी मलाई टिक्का। सॉरी मैं थोड़ा मैसी तरीके से खाती हूँ गाइस। वेरी जूसी, वेरी वेल मैरिनेटेड एंड सो गॉड डैम टेस्टी, आई लव इट। बहुत ही अच्छा है, पर नो मैटर कितना भी अच्छा हो, सबसे बेस्ट चीज अभी आनी बाकी, दैट इज अ बटर चिकन। सो प्लीज वेट फॉर दैट। तो मैं खत्म करती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ आई हूँ, ऐसा सब खत्म करते हैं मेरा। We'll be right back.
गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं आगे मेरा बहुत ही अमेजिंग खाना स्टार्टिंग फ्रॉम दाल मखनी बिरयानी मेरी ब्रेड बास्केट थोड़ा कढ़ाई पनीर और द स्टार ऑफ द शो बटर चिकन तब खा के देखते हैं। अरे हाँ मेरी नॉनवेज प्लेटर भी काफ़ी कुछ है खाने को पर मैं स्टार्ट करूँगी अपनी फेवरेट चीज़ का। सॉरी मैं सन और कुछ नहीं खा सकती हूँ विच इज़ द यम्मी बटर चिकन इट्स स्मोकिंग हॉट एंड इट्स सो टेस्टी मतलब इतना यम लग रहा है ना इसका टेक्सचर इतना ज़्यादा स्मूद है। मिर्ची का पराठा मैंने ब्रेड बास्केट ऑर्डर करी आप भी वो कर सकते हो उसमें बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है लाइक ऑलिव ब्रेड दे एक्चुअली हैव ऑलिव्स इन साइड ऑफ द ब्रेड एंड इट्स सो सो टेस्टी। बटर गार्लिक नान बटर नान जो अपनी बेसिक होती है खा कर देखते हैं बटर चिकन आई एम स्पीचलेस। तो जो बटर चिकन था वो इतना ज़्यादा टेस्टी जिसको चिकन बोन है बिल्कुल लेग पीस देते हैं जो इतना ज़्यादा टेस्टी सॉरी मैं टेस्टी बहुत बार बोल रही हूँ आई एम सॉरी आई कांट कंट्रोल माई इमोशंस बट इट्स सो यमी बटर चिकन इज एक्चुअली नॉट अ फूड इट्स एन इमोशन फॉर डेलियाज एंड पंजाबी पीपल तो सच्ची इमोशन ही है ये इसको मैं ऐसे खा सकती हूँ। द ग्रेवी इज सो नाइस द टेक्सचर इज अमेजिंग। मैं इनसे बात करी थी मैंने इनसे अभी मैनेजर से पूछा ये रेस्टोरेंट जो है 60 ईयर्स ओल्ड है और उन्होंने अपना टेस्ट बिल्कुल वैसे मेंटेन कर रखा है जब मैं बहुत छोटी थी मैं जाके खाती थी तब भी इनका बटर चिकन इतना अच्छा होता था जो मुझे इतना ज़्यादा मीठे वाले बटर चिकन पसंद नहीं है ठीक है और अगर आप इसे बहुत स्पाइसी कर दोगे तो वो बटर चिकन नहीं वो कोरमा टाइप बन जाता है तो ये जो मुझे इनका जो बैलेंस है ना फ्लेवर्स का मुझे सबसे बेस्ट वही लगता है वेरी वेल बैलेंस्ड। नेक्स्ट हम खाते हैं थोड़ा कढ़ाई पनीर जो कढ़ाई पनीर है उसमें इतना ज़्यादा अच्छा टेस्ट है बिल्कुल मसालेदार है बहुत सारे स्पाइसेस को भून के बनाया गया है और शिमला मिर्च का बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है और इसमें रोस्टेड चिली है जो और ज़्यादा फ्लेवर को इन्हेंस कर रही है अच्छा स्पाइसी किक दे रही है। अब क्या खाऊँ हम दाल मखनी तो हम खाते हैं अपनी दाल मखनी काफ़ी क्रीमी और बटरी है इसको मैं चम्मच से खा के आपको टेस्ट टेस्ट बताती हूँ अच्छा कैसा है खाने सॉरी खा कर आते कैसे इसका बहुत गर्म है फॉर स्टार्टर्स एंड इट्स अ वेरी नाइस स्मोकी फ्लेवर काफ़ी अच्छी और स्मूथ इसकी कंसिस्टेंसी है एंड वेरी नाइस मतलब बहुत ही अच्छा सारे फ्लेवर्स आर वेरी यू नो कम्फर्ट फूड जैसे आप कह सकते हो कभी भी आप आकर खा सकते हो ये वैसा वाला खाना है। मैं तो बस एक एक्सक्यूज़ ढूंढती इधर आने के लिए लिटरली मैं अपना बटर चिकन में थोड़ा और कॉन्सनट्रेट करती हूँ फिर बिरयानी भी बताती हूँ कैसी है। अब मैं आपको खा कर बताती हूँ कि बिरयानी कैसी है बिल्कुल दम बिरयानी और मेरे सामने इसको ओपन करा स्मेल सो नाइस जो इसकी कैमलाइज अनियंस के जो उसमें अरोमा है ना इट्स टू अनदर लेवल थोड़ा सा रायता इट्स नॉट दैट लाइक द रेगुलर बिरयानी गाइस जो रेगुलर बिरयानी होती है उसमें बहुत सारा कलर होता है एंड बेसिकली इट्स ऑरेंज एंड वाइट पर इनकी ओवरऑल पूरी जो बिरयानी इतनी फ्लेवरफुल है बट जो हम बिरयानी नॉर्मल बनाते हैं उसमें हम ब्रॉड डालते हैं जिससे जो चिकन या मटन का फ्लेवर होता है वो पूरी बिरयानी में फैलता है उसमें इतना अच्छे से वो फैला हुआ है ना एंड द टेस्ट इज सो गुड मतलब इट्स वेरी वेरी नाइस तो मेरे फ्रेंड थोड़े भूखे नंगों की तरह मुझे घूर रहे ना मैं उनको भी कुछ खिला देती हूँ जैसे कि आप देख सकते हैं उनकी शक्लें तो अब मैं उनको भी कुछ खिला देती हूँ सौरभ भी कैमरे से पीछे से अपना बोल रहा है कि थोड़ा बटर चिकन प्लीज़ लेग पीस मेरे लिए बचा देना तो उसमें एक और है तो उसको भी मिलेगा सबको मिलेगा और अब मैं इंजॉय कर रही हूँ खा
खा के मेरा पेट इतना ज्यादा भर गया ना, यही प्रॉब्लम होती है मेरे साथ। मैं कभी अच्छा बटर चिकन देखूं मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाती। दिस इज अनडाउटली द बेस्ट बेस्ट बटर चिकन इन टाउन, और मतलब बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत मज़ा आया। ठीक है, द बिल वॉज ऑल्सो नॉट वेरी हाई, मतलब काफ़ी सही है फॉर फैमिली, फॉर ऑफिस गैदरिंग एंड फ्रेंड्स। मैं आज तो फ्रेंड्स साथ चिल करने आई थी एंड वॉज क्वाइट अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने ऑर्डर करी है फ्रूट क्रीम, तो खा के देखते हैं कैसी है। काफ़ी ऊपर तक भर के दिया उन्होंने मुझे। इट्स नॉट टू स्वीट, इट्स रियली नाइस। काफ़ी क्रीमी सा इसका टेक्सचर है और उन्होंने कॉकटेल फ्रूट्स अंदर डाले हुए हैं, ऊपर से पिस्ता और बादाम, जो इसका टेस्ट और निखार रहे हैं। एंड ओवरऑल इट्स सो टेस्टी। सो गाइज, हियर्स व्हाट आई रिकमेंड, जो आप इधर आओ और ज़रूर ज़रूर खाओ, बटर चिकन नंबर वन। मतलब मैं कभी कभी जब चिल कर रहा था मैं और सौरभ, तो हम लोग कभी इधर आते हैं सिर्फ बटर चिकन और रोटी खाने, और इनकी जो ऑलिव ब्रेड इट्स यम, और वो कहीं और मिलती ही नहीं है, डेफिनेटली फ्रॉम माई साइड। अगर आप वेजिटेरियन होंगे, कढ़ाई पनीर बहुत अच्छा है और बहुत मसालेदार है, एंड दाल मखनी ऑफकोर्स। और इनका जो चिकन है उसके अंदर स्टफिंग है कीमे की, जो और इतना ज़्यादा कूल है। इनका अच्छा सब कुछ ही है, वैसे सब कुछ ही अच्छा है, पर जो मैंने खाया वो तो ज़रूर खाना। मैं आपको कभी कुछ गलत चीज़ थोड़ा ना बताऊँगी। हॉर्न की फ्रूट क्रीम भी बहुत टेस्टी है। इनके प्राइजेस मैं ये नहीं बोलूँगी बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत सस्ता है। आई थिंक जितना भी आप पैसे इस पर स्पेंड करोगे बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट अमाउंट है, आपको ये नहीं लगेगा मैंने ज़्यादा पैसे दे दिया। ठीक है, क्वालिटी ऑफ द फूड इज़ वेरी नाइस। ये 60 ईयर्स पुराना है, उन्होंने अभी तक ट्रेडिशन अपना बिल्कुल अपहोल्ड करके रखा हुआ है। उन्होंने एक बिल्कुल ढाबे से स्टार्ट करा था इन पंडार रोड ओनली, एंड नाउ इट्स अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट द क्वालिटी एंड द स्टैंडर्ड्स दे हैव मेंटेन्ड। बस अब मैंने बहुत खा लिया और अब मुझे वॉक करने जाना पड़ेगा, पर आप कहीं मत जाओ, आप गुलाटी आओ, मुझे सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, सो गाइज विद दिस इट्स अ रैप, आई होप गाइस एंजॉयड द वीडियो, क्योंकि मुझे वीडियो में आके बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पंडार रोड में है गुलाटी, ज़रूर आइए और खाइए इनका बटर चिकन, बाकी सब भी कुछ खा सकते हैं आप, बटर चिकन इज अ मस्ट। बाय। सो ऑल यू हैव टू डू इज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू हर चैनल। एंड मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी इस जगह के बारे में, मैं अपनी जायदाद दिन के नाम करने के लिए तैयार हूँ, इतना टेस्टी खाना था। चीयर्स, बाय।